मैं जानता हूं कि तुम ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती हो, इसलिए प्लीज कुंजा, प्लीज टेल मी क्या हुआ है, क्या बात है, व्हाई यू डूइंग ऑल दिस, बोलो ना, बोलो कुंजा, जो बोलना है बोलो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। रचना, जिसे तुम अपनी बहन, अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हो, उसके साथ तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती हो। घर पे तुमने भले सबको बोल दिया कि ये सब तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, लेकिन मैं नहीं मानता। जस्ट टेल मी, बोलो, जो कुछ भी हो रहा है सब झूठ है। ये सब कुछ झूठ नहीं है माइक। तो फिर सच क्या है? वही जो तुमने देखा सुना, ये अंगूठी, यही सच है। लिसन गुंजन, क्या हो रहा है? हम नफरत करते हैं तुमसे, तुम्हारे चेहरे तुमसे नफरत हो गई है हमें। तुमने सब क्यों किया? सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि तुम इस घर में आई। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ, और कभी वापस मत आना, जाओ। रचना, बस संभालो अपने। नहीं मम्मी, एक बहन दोस्त कैसे बन सकती है? मम्मी ने छीन लिया हमारे ब्याह जी को। अब रचना अगर एक टुकराई गई मंगेतर कहलाएगी। नहीं बेटा, यही है ना अबा? नहीं है ना मम्मी? नहीं बेटा, यही है अबा। रचना, रचना, क्या हुआ? रचना, रचना, हटो यहां से, खबरदार जो इसे हाथ लगाए तो। रचना, प्रभु, क्या हुआ भाभी? देखो ना, क्या हो गया इसे? निराश मत हो, भगवान निर्दय नहीं है, वो हमारे साथ और कुछ बुरा नहीं होने देंगे। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ और बुरा नहीं हो सकता। कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। ऐसे नहीं कहते, अगर तुम्हें प्यार था तो तुम्हें इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे बोल देते। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे इस रवैये से मम्मी, पापा, रचना, उसके परिवार वालों की कितनी बेइज्जती हुई है। अब उनके घर में क्या माहौल होगा, तुम्हें तुम्हें होश भी है इस बात का? भाई, अगर मैं ये नहीं करता तो क्या करता? हमारा प्यार एक्सेप्ट करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। बट डोंट वरी, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब हमारा प्यार एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड सीरियसली, इसमें कोई प्लानिंग या चाल नहीं है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना कि अगर इन सब चीजों में जरा सी भी गड़बड़ हुई ना। भाई रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। सच कहती थी चाची जी और भाभी तुम्हारे बारे में, लेकिन हमने उनकी एक नहीं मानी। अगर मानती तो ये सब भुगतना नहीं पड़ता आज। कुंजन, अब तो बता दो कि हमारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें क्या मिला, बताओ कुंजन। नहीं, हमें यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। तुम्हारी शक्ल बार बार हमें अपने दर्द और बेइज्जती की याद दिलाएगी, रात भर सताएगी, चले जाते हैं। रुको रचना, ये तुम्हारा कमरा है, इस पर पहला हक तुम्हारा है। मैं चली जाती हूँ।